दिल्ली में अगर आपकी कार पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट यानी HSRP और उस गाड़ी में इस्तेमाल होने वाले ईंधन से जुड़ा स्टिकर यानी कलर कोडेड फ्यूल स्टिकर नहीं है तो अब आपकी गाड़ी का चालान हो सकता है। दिल्ली के परिवहन विभाग ने HSRP जिसे हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट भी कहते हैं उसके ना होने और कलर कोडेड फ्यूल स्टिकर के ना होने पर दिल्ली की कारों का चालान शुरू कर दिया है। पहले दिन 200 से ज्यादा कार चालकों का चालान किया गया। अभी फिलहाल दिल्ली में रजिस्टर्ड कारों के ही चालान हो रहे हैं और दोपहिया वाहनों और दिल्ली के बाहर की नंबर की गाड़ियों को लेकर अभी कुछ समय के लिए छूट दी गई है। संशोधित MV एक्ट के अनुसार HSRP ना होने पर 10,000 रुपए तक का चालान हो सकता है जो फिलहाल 5,500 रुपए है। दिल्ली में रजिस्टर्ड उन गाड़ियों के लिए भी यही चालान की रकम तय की गई है जिन पर कलर कोडेड फ्यूल स्टिकर नहीं होंगे। इन चालान के शुरू होने के बाद से दिल्ली में राजनीति भी खूब तेज हो गई है। दिल्ली BJP ने उपराज्यपाल अनिल बैजल को पत्र लिखकर 6 महीने के लिए इस चालान प्रक्रिया को स्थगित करने की मांग की है। उसका कहना है कि दिल्ली के परिवहन विभाग की इस प्रक्रिया से वाहन मालिकों में घबराहट है क्योंकि अभी 20 लाख दोपहिया और 40 लाख कारों के पास HSRP नहीं है। अब बताते हैं कि आखिर ये HSRP है क्या। हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अप्रैल 2019 से पहले खरीदी गई सभी गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट का होना अनिवार्य कर दिया था। मंत्रालय ने इस योजना की शुरुआत 31 मार्च 2005 से की थी और गाड़ियों को यह प्लेट लगवाने के लिए 2 साल का समय दिया था, लेकिन आज भी देश में HSRP के बिना धड़ल्ले से गाड़ियाँ सड़कों पर दौड़ रही हैं। HSRP प्लेट का खास मकसद गाड़ियों की चोरी और जालसाजी को बंद करना है क्योंकि एक गाड़ी में जब एक यूनिक HSRP लगाई जाती है तो उसकी और गाड़ी की जानकारी एक पुख्ता तालमेल बनाती है। इसके अलावा पुरानी नंबर प्लेट में आराम से छेड़छाड़ की जा सकती थी या उसको बदला जा सकता था। इसको विस्तार से समझने के लिए पहले इस खास नंबर प्लेट के बारे में समझना होगा। एल्यूमिनियम की यह नंबर प्लेट सिर्फ 2 नॉन रियूजेबल लॉक से ही लगाई जाती है। अगर यह लॉक टूट जाते हैं तो फिर साफ हो जाता है कि नंबर प्लेट से छेड़छाड़ की गई है। इसके साथ ही इस पर क्रोमियम धातु में नीले रंग का अशोक चक्र का होलोग्राम होता है जो 20x20 मिलीमीटर के आकार का होता है। इस प्लेट में नीचे की ओर बाईं तरफ एक 10 अंकों का खास पिन जिसे पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर कहते हैं वह होता है जिसे लेजर से बनाया जाता है जो गाड़ी की सुरक्षा को पुख्ता कर देता है। नंबर प्लेट पर लिखा गाड़ी का नंबर भी सामान्य नहीं होता बल्कि वो उभरा हुआ होता है। 45 डिग्री के कोण पर देखने पर इसके ऊपर इंडिया लिखा हुआ दिखता है। इस नंबर प्लेट से गाड़ी की सुरक्षा कैसे पुख्ता होती है? जब कभी कोई गाड़ी चोरी होती है तो उसकी नंबर प्लेट बदल दी जाती है, लेकिन जब HSRP आवश्यक हो जाएगी तो कोई नंबर प्लेट आसानी से नहीं बदली जा सकती। इसकी पहली वजह यह है कि इसे ऑटोमोबाइल डीलरशिप ही लगाते हैं जिनको यह प्राइवेट वेंडर्स से मिलती है। इन प्राइवेट वेंडर्स को राज्य का परिवहन विभाग मान्यता देता है। अगर आपको दोबारा कोई HSRP चाहिए तो उसके लिए आवश्यक जानकारियां देने के बाद ही वो गाड़ी के मालिक को दी जाती है। HSRP इसलिए भी फायदेमंद है क्योंकि कार का इंजन नंबर और चेसिस नंबर इसके सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में सेव रहता है। इस डेटा और 10 अंकों के पिन के जरिए किसी चोरी हुई कार को पहचाना जा सकता है। और आखिर ये कलर कोडेड फ्यूल स्टिकर क्या है, इस बारे में भी आपको बताते हैं। गाड़ी में किस तरह का ईंधन इस्तेमाल होता है इसका पता लगाने के लिए कलर कोडेड फ्यूल स्टिकर को दिल्ली परिवहन विभाग ने अनिवार्य कर दिया है। जून 2019 में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों से कहा था कि वो अपने यहाँ गाड़ियों पर होलोग्राम आधारित कलर कोडेड स्टिकर को लगाना सुनिश्चित करें। जो गाड़ियां पेट्रोल या CNG से चलती हैं उनके लिए नीला स्टिकर और जो डीजल से चलती हैं उनके लिए नारंगी रंग का स्टिकर तय किया गया था। इन कलर कोडेड स्टिकर में रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी, लेजर से बने पिन, गाड़ी के चेसिस और इंजन नंबर जैसी जानकारियां भी होती हैं। गाड़ी की सुरक्षा के लिहाज से यह भी बेहद ज़रूरी हो जाते हैं। अक्टूबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सड़क परिवहन मंत्रालय ने इसका प्रस्ताव न्यायालय को दिया था ताकि गाड़ी के ईंधन की पहचान गाड़ी के बाहर से ही की जा सके।